खबर विदिशा मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश विदिशा जिले के ग्यारसपुर जनपद की ग्राम पंचायत मड़िया चावन के ग्राम गमरिया आदिवासी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे। वहीं बाबुल आदिवासियों का कहना है कि हमने अपने बच्चों को 4 दिन से नहीं नहलाया और बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा। वर्षों से कुवार के महीने में ही हैंडपम्प से पानी आना बंद हो जाता है। हमारे पड़ोसी में पानी ना होने की वजह से अन्य जगह गए और ग्रामों में जाकर 2 किलोमीटर की दूर से पानी भर कर लाते हैं। आदिवासी ने एक स्वर में कहा कि सरकार हमें पानी दे और पेयजल समस्या से लोग आज भी जूझ रहे हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को कई बार इस समस्या का अवगत करवाया गया लेकिन आज भी कोई इसका समाधान नहीं हुआ। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए धर्मेंद्र गुप्ता, विदिशा, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका, कौन से ग्राम से और पानी कब से समस्या बनी हुई बताएं? हम ग्राम गमरिया के रहने वाले हैं। हमारी तहसील ग्यारसपुर लगती है, जिला विदिशा, थाना हैदरगढ़। पानी की 8 साल से समस्या है इस गांव में। पानी के चक्कर में ना तो ये बच्चों में पढ़ा लिखा पा रहे, ना मजदूरी कर पा रहे, केवल बस पानी की समस्या में 2-2 किलोमीटर से पानी भर के लाते हैं। जैसे मड़िया है 2 किलोमीटर दूर, एलछा है, वहाँ से पानी लाते हैं। जब जाके इन्हें पानी पिला पा रहे हैं, 4 दिन में एक बार इन्हें सपरा पा रहे हैं। पढ़वे को तो सवाल ही पैदा नहीं हो पा रहा पानी के चक्कर में 8 साल से, कहीं इन्हें पढ़ा लिखा लें। और पंचायत में सचिव मंत्री सभी पतो है जवाद को कहा गमरिया में पानी की समस्या है, गमरिया बतले टैंकर आओ है। ना तो टैंक है और ना कुछ है, और टंकी मंजूर है गमरिया में, टंकी बन रही, कागजों में बन गई, सब होगा। गमरिया में टंकी नहीं, जहाँ पर्याप्त पानी है, बस गया है, पर्याप्त पानी है, हैंडपम्पों में है, ट्यूबवेलों में है, बिल्कुल वहीं पानी है, वहाँ टंकी बन गई। और जितने पानी की आवश्यकता है वहाँ कोई पानी नहीं है। बच्चे भूखे प्यासे मरे जा रहे, गरीब आदमी है, आधो गांव बंजर हो गया है, कोई ईंट पार भी चलो जाते है बरसात बाद, कोई खेतों पर भग जाते है पानी की वजह से। आधो गाँव आप देख लो, कहीं की दीवारें गिरी है, कहीं कुछ है, 8-8 दिन से लिपो नन्हे। अब का कहना, पानी भर भी जाए का बच्चों में पढ़ाएं, कहीं स्कूल भेजें। अब जे छोटे छोटे बच्चे गगरा रखें हाथ में, नहीं कर पा रहा है। जैसा कि आपने मुझे बताया, मैंने तत्काल जो है पंचायत में फोन लगा के बात किया है, सचिव रमेश है वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि चूँकि जो है ये पूर्व से वहाँ पर दिक्कत होती है, वहाँ की जो पानी की जो स्रोत है अभी जो है गर्मियों में बंद हो जाता है, तो उसमें जो निजी ज़मीनों में ट्यूबवेल है उससे जो है ना पंचायत जो है 2-3 लोग ऐसे हैं जिनसे पानी लेके गाँव वालों को पिलाती है। अभी मैंने बात किया है कि 15वां वित्त में चूँकि इस तरह की जो पेयजल से समस्याएं हैं उसके विषय में व्यवस्था है, तो प्रावधान है अपने को मैंने बता दिया कि वहाँ पर एक टंकी बना के और पानी जो है ट्यूबवेल जो इंडिविजुअल लोगों को जो व्यक्तिगत ट्यूबवेल लगे हैं उनसे जो है व्यवस्था करवाएं, सहमत हो गए हैं और बहुत जल्द जो है हम इसको समस्या का निजात कर लेंगे।